नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्सेनिक एल्बम के बारे में। आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथी में इन्फेक्शंस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है। ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल मेडिसिन है और इसका एक्शन बहुत ही डीप एक्टिंग है। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, कौन कौन सी तकलीफें हैं जिसमें आर्सेनिक एल्बम बेस्ट सूटेड है और आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगी। एक और बात ज़रूरी है जो जानना आपके लिए, वो ये कि जब ये इतनी डीप एक्टिंग है तो सेल्फ मेडिकेशन में इसकी सेफर साइड डोसेज आपको क्या रखनी चाहिए जिससे कि आपको रिजल्ट्स मिले। प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर इसकी डोसेज क्या होनी चाहिए ये भी आपके लिए जानना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी बात समझ में आए तो वीडियो को थम्स अप दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ये वीडियो जनहित में लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये आर्सेनिक एल्बम क्या है। देखिए, आप सभी ने एक पॉइजन का नाम सुना होगा, केमिस्ट्री में उसे हम बोलते हैं आर्सेनिक। अब ये जो आर्सेनिक पॉइजन है ये एक केमिकल है और अगर कोई भी इंसान इसे गलती से अपने जीभ के ऊपर टच कर ले तो ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से लेकर मिनट्स के बीच में पेशेंट की डेथ तक कर सकता है। ये इतना डेडली होता है और इसका एक्शन इतना फास्ट होता है। तो ऐसे में जब एक पॉइजन से उठाकर हमने उसके क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़ यानी इलाज वाली प्रॉपर्टीज़ को लेकर एक दवा बनाई तो उस दवा को हमने नाम दिया आर्सेनिक एल्बम। तो आप समझ सकते हैं कि जब जितना तेज़ पॉइजन है उससे ज़्यादा तेज़ ये दवा है। बहुत रैपिड एक्टिंग मेडिसिन है और बहुत ही डीप एक्टिंग मेडिसिन है। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन कौन सी तकलीफें हैं जिसके ऊपर आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। देखिए, होम्योपैथी में कोई भी व्यक्ति जब प्रैक्टिस करने आएगा तो वो बिना आर्सेनिक के प्रैक्टिस शायद नहीं कर सकता। इसका रीज़न है कि इसका बहुत ही डीप एक्टिंग और बहुत ही वाइब्रेंट एक्शन है। किन किन चीज़ों पर ये बहुत असरदार है, इसे इस तरह समझिए कि अगर मानसिक तकलीफें हैं आपको, फॉर एग्जाम्पल आपको OCD की परेशानी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बार बार हाथ धोना, बार बार ताले चेक करना, इस तरह की परेशानी है, उसकी वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, इन सभी तकलीफों के लिए आर्सेनिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जब हमारे पास आते हैं, स्लीप इंसोम्निया के पेशेंट्स आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आर्सेनिक कहीं ना कहीं उनके सिम्टोमेटोलॉजी से मैच करती है। अब अगर आप फिजिकल सिम्टम्स के ऊपर बात करें तो आप कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हमारे पास ले आइए, ऐसी बीमारियां जो शरीर में अपने आप पैदा हो जाती हैं, चाहे सोरियासिस हो, चाहे SLE हो, चाहे एलोपेशिया हो, इसके अलावा एलर्जीज, आपको किसी भी तरह की एलर्जी हो, चाहे वो आपके स्किन एलर्जी हो या आपके थ्रोट एलर्जी हो, जैसे बहुत से लोगों को कफ की शिकायत रहती है, स्नीजिंग की शिकायत रहती है, इसी तरह से आपको पेट में एलर्जी होती हो, किसी चीज़ को खाने की वजह से परेशानी होती हो, चाहे रेस्पिरेटरी एलर्जी हो, सभी तरह की कंप्लेंट्स के ऊपर आर्सेनिक एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। अब अगर आप हेड टू टो चलें तो आप ये मान के चलिए, अगर आपके सर में डैंड्रफ की शिकायत बहुत ज़्यादा है, हेडेक बहुत ज़्यादा रहता है, न्यूरालजिक पेन रहता है, या फिर कहीं ना कहीं आपको एपिलेप्सी या फिर कन्वर्जन्स की शिकायत रहती है, तो ऐसे यहाँ पर भी आर्सेनिक का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसके बाद आप फिर आइस पर आइए, तो अगर आपको आंखों में किसी तरह की एलर्जी की शिकायत रहती है, आंख से पानी बहुत ज़्यादा बहता है, आंख में जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसकी वजह से कोई पेन रहता है, या ऑप्टिक नर्व की वजह से कोई तकलीफ रहती है, या रेटिना में कोई परेशानी होती है, वहाँ पर भी आर्सेनिक एल्बम रोल प्ले करती है। आपके नेजल ट्रैक्ट्स में कहीं कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह के नेजल पॉलिप्स हो रहे हैं, एलर्जीज हो रही हैं, या सिनुसाइटिस बार बार हो जा रहा है आपको, या स्नीजिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके गले में, थ्रोट में आपको फेरेंजाइटिस बार बार हो जा रही है, गले में सूजन आ जाती है, टॉन्सल्स में स्वेलिंग आ जाती है, आपकी सांस की नली में स्वेलिंग आ जाती है, खाने की नली में स्वेलिंग आ जाती है, या फिर आपकी जो जबान है, टंग है, उसके ऊपर फिशर्स बहुत जल्दी हो रहे हैं, या टंग ट्यूमरस सी हो रही है, उसमें किसी और तरह की परेशानी डेवलप आपको करते हुए आप नज़र आ रही है, अल्सर्स बार बार हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहीं कोई ट्रबल है, जैसे आपको ब्रोंकाइटिस की शिकायत है, ब्रोंकोन्यूमोनिया की दिक्कत है, कोविड के दौरान न्यूमोनिया की परेशानी थी, SpO2 लो होता है, या फिर एस्थमा की दिक्कत है, या ILD है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, तो ऐसी कंडीशन में भी आर्सेनिक एल्बम बहुत इक्विवेलेंटली रोल प्ले करती है। पेट में अगर आपके पेप्टिक अल्सर्स है, गैस्ट्राइटिस बार बार हो रहा है, लिवर में आपके स्वेलिंग आ जा रही है, हेपेटोमेगैली हो रहा है, स्प्लीनोमेगैली हो रहा है, पैनक्रियाटाइटिस हो रहा है, या फिर इसके अलावा कोलाइटिस की शिकायत हो रही है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रहा है, क्रॉन्स डिजीज हो रही है, या आपके जो एनल एरिया है वहां पर किसी तरह की वहां पर पाइल्स है, फिशर है, फिस्चुला है, या
सो फार आपके स्किन के ऊपर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, चाहे वो नॉर्मल एक्ने हो या फिर सोरियासिस जैसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, या फिर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस आपको हो रहा हो, या फिश स्केल हो रही हो, या इक्थायोसिस हो रहा हो, या कैल्केनियल स्पर आपके बन रहा हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको जब होगी, तो जब हम वहाँ पर सिम्टम्स निकालेंगे तो अब आप समझ सकते हैं कि मैं लगातार बोलता जा रहा हूँ लेकिन इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। ये इतनी डीप एक्टिंग रेमेडी है और लगभग हर तरह के कंप्लेंट्स के ऊपर जब आप इसका एक्शन देखेंगे तो वो चुनिंदा जो शुरू की 5 दवाइयाँ होती हैं जो किसी एक पेशेंट के सिम्टोमेटोलॉजी के हिसाब से आती हैं, उनमें से एक दवा आर्सेनिक एल्बम ज़रूर होती है। अब अगर आप इस आर्सेनिक की पर्सनालिटी के ऊपर बात करें ना, तो ये पर्सनालिटी इसके अंदर बदलती रहती है। एक पर्सनालिटी वो है जिसमें कि पेशेंट बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, बहुत ज़्यादा फास्टिडियस है, उसे चीज़ें बहुत अच्छे से चाहिए, उसे परफेक्शन से चाहिए, वो टाइम से आना चाहता है, बिल्कुल टिप टॉप, बिल्कुल गो बाय द बुक वाला जो आपको कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में मिलेगा वो कहीं ना कहीं आर्सेनिक के आसपास बिलोंग करेगा। एक दूसरी पर्सनालिटी भी है जिसमें एक पेशेंट है जो कि डरा हुआ है, जिसके साथ एक दुर्घटना घट गई है, उसके मन में एक डर बैठ गया है, एक इनसिक्योरिटी बैठ गई है, उस अब वो कोई भी काम गलत नहीं करना चाहता, किसी भी तरह से वो गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहता, वो जो डर है उसके मन से ख़त्म नहीं होता है, एक वो कंडीशन भी है, वो भी एक आर्सेनिक है। और तीसरी वो कंडीशन है कि जब बिल्कुल पेशेंट के शरीर में जान नहीं है, तकलीफ है, उसकी शरीर गिरता जा रहा है, एग्जॉस्टिंग कंडीशन हो गई है, वजन तेज़ी से गिर रहा है, फिर भी वो बेचैन है, उसकी बेचैनी नहीं ख़त्म हो रही है, उसे आराम नहीं आ रहा है, उसके अंदर डर बैठ चुका है कि वो जिंदा बचेगा नहीं, फिर भी उसे एंग्जाइटी रहती है, डर फॉर डेथ है, फियर फॉर ऑफ डेथ है, लेकिन एंग्जाइटी फॉर फैमिली है, एंग्जाइटी फॉर फ्यूचर है, हर चीज़ को लेकर परेशान है। तो ऐसी 3 अलग अलग पर्सनैलिटीज़ आर्सेनिक के 3 अलग अलग पहलू आपको शो करती हैं। ये हो गया बात जब आप कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, जो आप कहते हैं मुझसे सवाल पूछते हैं सर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन आता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आर्सेनिक के बारे में। अब सवाल ये है कैसे, अगर आपको लगता है आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, चाहे बैक्टीरियल हुआ है, चाहे वायरल हुआ है, कोई भी इन्फेक्शन हो, वो कौन से कारण हैं या वो कौन से सिम्टम्स हैं जिनके ऊपर मैं आर्सेनिक देना पसंद करता हूँ? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। इसी के ऊपर आप भी जब सोचें तो अपने पेशेंट को आर्सेनिक प्रेस्क्राइब करें, लेकिन सेफर डोसेज में, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो देखिए, आर्सेनिक को प्रेस्क्राइब करने का तरीका क्या है? नंबर 1 कि आपका जो पेशेंट है उसके अंदर नाइट एग्रेवेशन होना बहुत ज़रूरी है, उसकी तकलीफें रात में ज़रूर बढ़नी चाहिए, उसे कोई भी परेशानी हो सडनली नाइट में बढ़ जाएगी, दिन में वो ठीक रहेगा रात में बढ़ जाएगी। दूसरी बात, उसके अंदर शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी आपको मिलेगी, चाहे स्किन में कोई तकलीफ है तो भी गर्मी है, शरीर के अंदर एसिडिटी बन रही है तो भी जलन मच रही है, और जो वो बर्निंग सेंसेशन है, पेन्स हैं तो बर्निंग सेंसेशन है, कोई डिस्चार्ज हो रहा है, नाक से पानी बह रहा है तो बर्निंग सेंसेशन है, आँख से पानी बह रहा है तो बर्निंग सेंसेशन है, मुँह में छाले हो गए, आग निकल रही है, थ्रोट में पेन हो गया, स्वेलिंग हो गई, तो उसमें बर्निंग सेंसेशन है। तो बर्निंग सेंसेशन एक बहुत प्रिडोमिनेंट है, मरीज कहता है आग लग गई मेरे अंदर, कुछ भी हो रहा है आग लगी हुई है। तो ये जो आग जैसी फीलिंग आती है, बर्निंग सेंसेशन जो होता है, ये आर्सेनिक का एक बहुत ही ज़रूरी प्रेस्क्रिप्शन का साइन होता है। इसके अलावा तीसरा जो साइन है, दैट इज़ रेस्टलेसनेस, इतना बेचैन है, शरीर में ताकत नहीं है पर बेचैनी ख़त्म नहीं है, उसे उसके अंदर इतनी बेचैनी है, छटपटाता रहेगा, उसके अंदर हिलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन वो बेचैन रहेगा, सोचता ही रहेगा, दिमाग शांत हो ही नहीं सकता, उससे मानसिक तौर पर इतनी ज़्यादा बेचैनी रहती है और वो बेचैनी उसकी अंत तक ख़त्म नहीं होती है। ये आर्सेनिक पेशेंट की सबसे बड़ा प्रीडोमिनेंट साइन होता है। अब इसके बाद जो अगला एक प्रीडोमिनेंट साइन है वो होता है वीकनेस, कि चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे फीवर आ रहा हो उसको, चाहे उसे किसी तरह होता है दिक्कत हो रही हो, बहुत जल्दी कमज़ोरी आने लग जाएगी। जब कमज़ोरी आएगी तो कमज़ोरी के संग में बेचैनी भी होगी, और जब वो कमज़ोरी फील करेगा तो इतनी कमज़ोरी फील करेगा कि उसे लगेगा जैसे मेरा वज़न कम होता जा रहा है। किसी भी बीमारी हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, कोई भी फीवर आ रहा हो, जब पेशेंट को तकलीफ होगी तो वीकनेस आएगी, वीकनेस के संग में पेशेंट का वेट लॉस होगा, वेट लॉस के संग में इमेसिएशन आएगा, और धीरे धीरे पेशेंट जो है बिल्कुल पस्त होता चला जाता है, एकदम पस्त, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में प्रोस्ट्रेशन, तो दैट इज पस्त, बिल्कुल एकदम पेशेंट पस्त हो गया, कम से कम 5-6 किलो वजन कम हो गया, शरीर के अंदर बिल्कुल जान नहीं है, पेशेंट से हिल नहीं मिल रहा है, लेकिन वो फिर भी बेचैन है, उसकी बेचैनी खत्म नहीं हो रही है, घबराहट उसकी खत्म नहीं हो रही है। सो दैट पर्टिकुलर पेशेंट इन एनी इन्फेक्शन, उसको हम बोलते हैं आर्सेनिक पेशेंट। अब इसके अलावा
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए, जैसे नाइट एग्रेवेशन हो यानी जब रात में तकलीफ बढ़े तभी आर्सेनिक के बारे में सोचें, अगर ठंडे से पेशेंट को आराम आ रहा है तो बिल्कुल आर्सेनिक के बारे में ना सोचिए, क्योंकि आग चाहे कितनी भी लगी होगी पेशेंट के अंदर, उसे बर्निंग सेंसेशन कितना भी हो रहा होगा, ठंडा लेने से उसे तकलीफें बढ़ेंगी बल्कि गर्म लेने से उसे आराम आएगा। तो ये सारी तकलीफें जब उसकी बढ़ेंगी तो यही जो एक पर्टिकुलर साइंस मैंने आपको बताए हैं इन्हीं के ऊपर आपको आर्सेनिक प्रिस्क्राइब करने के बारे में सोचना चाहिए। अब चाहे कंप्लेंट्स कुछ भी हो, अगर ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कहीं ना कहीं आपको मिलते हैं तो समझ लीजिए कि वो पेशेंट आर्सेनिक का है, उसे आर्सेनिक एल्बम प्रिस्क्राइब हमें करनी है। अब अगली बात आ जाती है डोसेज के ऊपर कि जब आपको सेल्फ मेडिकेशन में कोई दवा नहीं मिल रही है, आर्सेनिक आपके घर में रखी है तो कितनी पावर में आपको आर्सेनिक रखनी चाहिए और कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए सेफर साइड डोसेज आर्सेनिक की किसी भी मरीज के लिए घर में रखने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हमेशा याद रखें अगर किसी डॉक्टर ने आपको आर्सेनिक प्रेस्क्राइब नहीं करी है, आपने मेरी वीडियो सुन ली है या कहीं पढ़ लिया है या कोई और वीडियो सुन ली है तो केवल आर्सेनिक एल्बम 30 अपने घर में रखिए। किसी भी तरह की परेशानी हो, अगर एक्यूट है, सडन कोई इन्फेक्शन हो गया है तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 दिन में 3 बार के हिसाब से केवल 3 दिन के लिए अपने पेशेंट को दीजिए और उसके बाद या उसके बीच में अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। 3रे दिन के आगे आर्सेनिक को इस्तेमाल मत करिए। आर्सेनिक इतनी डीप एक्टिंग है कि विद इन 72 आवर्स अपना रोल प्ले कर देती है, कुछ ना कुछ चेंजेस पेशेंट के अंदर आ जाते हैं जिसके बाद दवा बदलने की ज़रूरत होती है। अब अगर क्रॉनिक परेशानी है और आपको लगता है कि मेरे अंदर आर्सेनिक के सिम्टम्स आ रहे हैं तो ऐसे में केवल आर्सेनिक एल्बम 30 सुबह शाम के हिसाब से लीजिए और इस दवा को भी 3 दिन के लिए ज़रूर लीजिए। जब आपको कुछ अपने अंदर चेंजेस महसूस होने लग जाए तो डॉक्टर से सलाह लेकर या तो इस दवा को आगे बढ़ाइए या फिर इस दवा को बदलकर कोई और दवा इस्तेमाल करिए, क्योंकि आर्सेनिक एल्बम अपने रिजल्ट्स कहीं ना कहीं 72 आवर्स के अंदर पेशेंट्स में ज़रूर दिखाती है। अब अगला सवाल ये उठता है कि बड़ों में और बच्चों में क्या डोसेज सेम रहती है। देखिए अगर आप बच्चों को आर्सेनिक देना चाहते हैं तो कोशिश करिए जब तक कोई एक्यूट इन्फेक्शन या कोई एक्यूट इमरजेंसी ना हो बच्चों को हमेशा आर्सेनिक एल्बम दिन में 1 बार के हिसाब से दें। किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने पर आर्सेनिक 2 बार दीजिए और अगर बच्चा 15 साल से बड़ा है तो बड़ों में 15 साल से बड़े उम्र के किसी भी व्यक्ति के अंदर जो मैंने डोसेज आपको पहले बताई थी आप उस डोसेज पर आर्सेनिक एल्बम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रही बात प्रिवेंटिव की, देखिए इस समय ओमिक्रॉन वेरिएंट हमारे इंडिया में 3rd वेव की तरह चल रहा है, बहुत सारे पेशेंट्स इन्फेक्टेड हो रहे हैं और साथ में डेल्टा वायरस जो है उससे भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं। तो ऐसे में सब बात यह है कि जब इतना तेज़ी से नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो हम भी नहीं जानते कौन इन्फेक्टेड है और कौन इन्फेक्टेड नहीं। तो एज़ पर द गाइडलाइंस गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो पहले हमारे पास मौजूद थी, वहाँ पर मेंशन्ड है कि इफ़ अ पेशेंट हैज़ कम इन कॉन्टैक्ट, यानी अगर एक मरीज या कोई भी एक व्यक्ति किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के टच में आ गया है, उनके संपर्क में आ गया है और आपको डाउट है तो ऐसे में आप आर्सेनिक एल्बम 30 डेली सुबह सुबह 4 गोली लीजिए और लगभग 7 दिन तक लीजिए। ये डोसेज है प्रिवेंशन की। तो जब हम नहीं जानते कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं और नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, आपके घर के आसपास आपको पता चल रहा है बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, तो आप फौरन आर्सेनिक एल्बम 30 एक डोज यानी 4 गोलियां अपने घर में प्रत्येक व्यक्ति को दें, सुबह सुबह दें, खाली पेट, निहार मुंह और 7 दिन तक लगातार दीजिए। इसके बाद आप इस दवा को बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर के अंदर कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ गए हैं और आसपास भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं तो आप इसे 7 दिन की बजाय 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टरी परामर्श लेने के बाद ही। तो आशा करते हैं मेरी बताई हुई बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप मेरी बातों से संतुष्ट हैं तो वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिए, कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।